तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं उसमें कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे सीरीज सर्किट का उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है पावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है वगैरह वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर इन रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। तो बहुत सारे बच्चे जो ये जो क्वेश्चन है इस पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर शायद पता नहीं है। तो क्वेश्चंस है कि पावर फैक्टर कैसा क्या होगा अगर रेजिस्टिव सर्किट है या फिर इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर जो होगा यूनिटी होगा, दैट मीन्स वन। और इंडक्टिव अगर सर्किट है तो पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग रहेगा और कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर लीडिंग रहता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चंस है, डिफाइन पावर फैक्टर, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो पावर फैक्टर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हम वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव फॉर्म या फिर फेजर डायग्राम, वोल्टेज का और करंट का, इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसी को फेज एंगल कहा जाता है। और उसका कोसाइन अगर निकाले उसे कहा जाता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। दूसरा जो डेफिनेशंस है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर यानी वी आर टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। तो अगर सर्किट है आर एल सी तीनों में से कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है उनके रेशियो को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। ऐसे और भी डेफिनेशंस है। तीसरा जो डेफिनेशंस है पावर फैक्टर का, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पिडेंस। तो रेजिस्टेंस सर्किट का और उसी सर्किट का जो इम्पीडेंस है उनके रेशियो को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। एंड फोर्थ जो डेफिनेशंस है पावर फैक्टर का, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ट्रू पावर बाय अपेरेंट पावर। तो ये चार जो है पावर फैक्टर का डेफिनेशंस है। अब जो है सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस है कि महत्व पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट गिव द एबिलिटी ऑफ ए सर्किट टू कन्वर्ट इट अपेरेंट्स पावर इनटू ट्रू पावर। यानी पावर फैक्टर में वो एबिलिटी है कि जो टोटल अपेरेंट पावर है वो ट्रू पावर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ग्रेटर द पावर, सेकेंड जो पॉइंट है, ग्रेटर द पावर फैक्टर ग्रेटर इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द सर्किट टू यूटिलाइज इट्स अपेरेंट पावर और टू कन्वर्ट अपेरेंट पावर इनटू ट्रू पावर दैट इज़ यूजफुल पावर। तो पावर फैक्टर अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही संभावना है कि हम लोग जो अपेरेंट पावर को ट्रू पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपेरेंट पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर तुम्हारा पावर फैक्टर होता है तो रिएक्टिव जो पावर रहता है वो बहुत ही कम रहेगा। तो इस प्रकार से तो ग्रेटर पावर फैक्टर होना अच्छी बात है। थर्ड जो पॉइंट दिया है, ग्रेटर द फेज डिफरेंस लेसर द पावर फैक्टर एंड लेसर इज कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज द पावर फैक्टर फ्रॉम अवेलेबल अपेरेंट पावर। तो फेज डिफरेंस अगर ज़्यादा रहेगा पावर फैक्टर कम रहेंगे, मीन्स डिग्री फाई है ना। तो एंड कैपेबिलिटी टू यूज़ ट्रू पावर तो उतना ज़्यादा कम रहेंगे। ग्रेटर द फेज डिफरेंस लेसर द पावर फैक्टर एंड लेसर इज कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज ट्रू पावर फ्रॉम अवेलेबल अपेरेंट पावर। तो अगर फेज डिफरेंस ज़्यादा रहेगा पावर फैक्टर लो रहेगा, पावर फैक्टर अगर लो है तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते ट्रू पावर को। लेसर इज कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज ट्रू पावर फ्रॉम अवेलेबल अपेरेंट पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एंड शो ऑन पावर ट्राइंगल एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। तो जैसे पहले ही कहा गया कि पावर फैक्टर एंड पावर जो है उसमें डिफरेंस है। पावर फैक्टर जो है वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल है उनके बीच के अंतर को
पावर फैक्टर कहा जाता है। और ये पावर जो है तीन टाइप का रहता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। ठीक है, तो पहला जो है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर किसे कहते हैं? तो एक्टिव पावर, इट इज़ डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रू पावर। और एक्चुअल पावर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी, इट्स यूनिट इज़ वैट। तो एक्चुअल जो सर्किट में रेजिस्टिव जो पार्ट है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसी को एक्टिव पावर कहा जाता है, और उसको पी से दर्शाया जाता है, और उसका यूनिट है वैट। उसका जो फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू वी आर, वी टू द बेस आर आई, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, या दूसरा फार्मूला आई स्क्वायर आर, या फिर तीसरा जो है वी आई कॉस फाई। इस प्रकार से ये तीन फार्मूला है पावर का। एंड सेकंड जो है रिएक्टिव पावर, इट इज़ डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड इन इंडक्टिव और कैपेसिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, इट्स यूनिट इज़ वी आर, वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव। तो ये जो है रिएक्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो पार्ट है सर्किट में वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसको रिएक्टिव पावर कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है, क्यू इज इक्वल टू वी एल आई, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंटू आई, या फिर दूसरा जो है आई स्क्वायर इंटू एक्स एल, या तीसरा जो है वी आई साइन फाई, एंड फोर्थ जो है वी सी आई, यानी इंडक्टर रहेगा तो वी एल और कैपेसिटर रहेगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी इंटू आई। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट जो है अपेरेंट पावर, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड पावर। तो ये वोल्टेज सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना, टोटल करंट कितना है, उनके अगर प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो होगा हमारा अपेरेंट पावर, एंड मीन्स टोटल पावर, है ना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, इट्स यूनिट इज़ वोल्ट एम्पियर, इट्स यूनिट इज़ वोल्ट एम्पियर। यह है टोटल पावर ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट जो है पावर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो एक ही सर्किट में हम लोग, एक ही फिगर में हम लोग तीनों पावर शो करेंगे। तो ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ पावर कंज्यूम इन एसी सर्किट। तो ये जो है रियल पावर, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये अपेरेंट पावर, स्लैंटिंग में जो लाइन दिख रहा है वो अपेरेंट पावर है यानी टोटल पावर, और ये जो है रियल पावर या फिर एक्टिव पावर कहेंगे, और ये जो दिख रहा है तुम्हारा रिएक्टिव पावर। तो इस प्रकार से जितना रिएक्टिव पावर कम रहेगा उतना तुम्हारा रियल पावर ज़्यादा रहेगा, यानी अपेरेंट पावर के इक्वल टू हो जाएगा अगर यूनिटी रहा तो, इस प्रकार से। और यह जो है इसका फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इज इक्वल टू पी, यानी एक्टिव पावर प्लस जे क्यू, इस प्रकार से उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। और सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियो को आप जल्द से जल्द पा सकें। धन्यवाद।